हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे आज मिलिट्री साइकोलॉजी। और सबसे पहले बात करेंगे मेंटल हेल्थ ऑफ सोल्जर्स। तो जो मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट होता है उसका मेन जॉब ये होता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं और वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मिलिट्री के, उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसका ध्यान रखे। और ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुसाइड के केसेस बहुत होते हैं, फ्रैक्ट्रीसाइडल मर्डर होते हैं, मतलब कि जैसे अपने ही रिलेशन में अपने ही ब्रदर्स का मर्डर करना, इस तरह की चीज़ें। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है मिलिट्री की, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ब्रॉडन ओइंग टू द फैक्ट दैट दे आर आस्क्ड टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। मतलब उसमें अब खाली एक आर्मी के जो एक लड़ाई का सोल्जर का काम नहीं रहता है, उसमें अब और भी चीज़ें ऐड होती जा रही है, जैसे बिल्डिंग ब्रिजेस आफ्टर सुनामी, तो ब्रिजेस वगैरह बनाना, कीपिंग पीस विद रायट्स इराक। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन इसकी बहुत वाइड होती जा रही है, सिर्फ ये बॉर्डर तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और मिलिट्री का जो एनवायरनमेंट होता है दैट इज़ करेक्टराइज बाय जॉब्स विद हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है मिलिट्री एनवायरनमेंट में, लो ऑटोनोमी होती है, आप अपने आप डिसीजंस कम ले पाते हो, पर्सनल कंट्रोल बहुत कम होता है अपने वर्क प्लेस के ऊपर, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। डिप्लॉयमेंट इन कॉम्बैट रिलेटेड और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज इन सर्जिंग करेक्टेड एरियाज दैट इंटेल्स क्रॉनिक एक्सपोजर टू पोटेंशियली ट्रोमेटिक इवेंट्स। तो ऐसी जगहों पे काम करना पड़ जाता है जहाँ पे एक बहुत ही ट्रोमेटिक इवेंट्स भी उनको देखने पड़ सकते हैं जो मिलिट्री में काम करते हैं, सोल्जर्स होते हैं। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि कैसे वो उन लोगों के साइकोलॉजिकल वेलबींग के ऊपर अपना फोकस करें। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सच स्ट्रेसेस आर मल्टी डायमेंशनल। द रोल ऑफ मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हेयर इज़ टू रिकॉग्नाइज द साइकोलॉजिकल वाइटल साइंस इन मिलिट्री डोमेन। जैसे कि स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो साइकोलॉजिस्ट को असेसमेंट टूल्स वगैरह यूज़ करके ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की चीज़ें हैं जो स्ट्रेस कॉज करती हैं और किस इंटरवेंशन से उसको दूर किया जा सकता है। बेशक वो उसकी काउंसलिंग करे, रिहैबिलिटेशन स्ट्रैटेजीज यूज़ करे, जो भी वो साइकोलॉजिस्ट जिसको उसको वो ठीक लगता है कि इस ये करने से हम स्ट्रेसेस के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। टू रिहैबिलिटेट रिटायर्ड एंड हैंडीकैप सोल्जर्स, जैसे जो हैंडीकैप हो जाते हैं सोल्जर्स, उनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बात करेंगे। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। अब जैसे स्ट्रेस तो होता ही है इन सबको, लेकिन कुछ होते हैं जो झेल जाते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं झेल पाते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अपने फिजिकल स्ट्रेस को वो करें कंट्रोल, लेकिन मेंटल स्ट्रेस कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट पे और उस पर्सन पे भी जिसके ऊपर स्ट्रेसेस का इफेक्ट हो रहा है। एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस आर नो डाउट इंटेंस एंड अनप्रडिक्टेबल। अब एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस तो अनप्रडिक्टेबल होते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट जो पर्सन के अंदर जो चीज़ें हैं जो वो खुद कंट्रोल कर सकता है, जैसे इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी, अपने आप को वल्नरेबल ना बनाए कि स्ट्रेसेस आते ही वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाए, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटीज़ लाइक रेजिलियंस एंड मिलिट्री हार्डीनेस इन इंडिविजुअल्स। रेजिलियंस क्या होता है कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आप हर बारी उठ के खड़े हो जाओगे, आप हारोगे भी, फेलियर भी आएगा, लेकिन फिर भी आप वापस उठ के खड़े हो जाओगे, दैट इज़ रेजिलियंस। मिलिट्री हार्डीनेस मतलब आप छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस ना हो, थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाओ, तो उससे क्या होता है वो स्ट्रेस को कोप कर पाते हैं। बट वन स्ट्रेस अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल वेलबींग, हाउ डज इट गेट मैनिफेस्टेड। तो अब ये है कि अगर किसी को इतना इफेक्ट करता है स्ट्रेस, तो फिर क्या होता है। सागर शर्मा एंड मोनिका शर्मा आर्ग्यू दैट देर आर थ्री स्ट्रेस इंड्यूस्ड वाइटल साइंस क्रिटिकल टू एन इंडिविजुअल्स वेलबींग। तो अब ये तीन स्ट्रेस इंड्यूस्ड वाइटल साइंस की बात कर रहे हैं, और उन तीन वाइटल साइंस में आ जाते हैं एंग्जाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन। इन तीनों की बात हो रही है, एंग्जाइटी, एंगर एंड डिप्रेशन। तो उससे पहले हम ये टेबल भी, ये चार्ट देख लेते हैं क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जैसे स्ट्रेसर्स तो बहुत सारे होते ही हैं, वर्कलोड है, लो जॉब कंट्रोल है, अनप्रडिक्टेबल है सिचुएशन, परसीव्ड इनजस्टिस है, इनसुपीरियर वर्सेस सबॉर्डिनेट कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीज़ें तो स्ट्रेसर कॉज मतलब स्ट्रेस कॉज करती हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रेसर्स हैं।
इसका इफेक्ट तब ज़्यादा होता है जब वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा हो, जैसे कि जेनेटिक डिस्पोजिशन है, किसी के जीन्स में ही है कि उनके पेरेंट्स को कभी मेंटल प्रॉब्लम रही हो, तो उनके अंदर भी हो सकती है, किसी सोल्जर के अंदर डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, सब्सटेंस अब्यूज़ करता हो, जॉब रैंक में हो, तो इन सब चीज़ों से वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, और ये सारी चीज़ें मिलके फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फिर इंडिविजुअल्स हाई ऑन दीज की इंडिकेटर सफर फ्रॉम मैनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो जिनके अंदर एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन जैसी चीज़ें ज़्यादा हैं, उनको फिर मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, PTSD, और उसके बाद डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। और ज़्यादातर मिलिट्री पर्सनल जितने भी होते हैं ना, एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उनके उनको बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक और लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों को फेस करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस के ड्यूरिंग। मिलिट्री पर्सनल आर मोस्ट वनरेबल टू PTSD, क्योंकि इतना ट्रॉमा देख चुके होते हैं कि उनको उसकी वजह से पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत होते हैं। फिर क्या होता है कि उनकी जो है ऑब्वियसली मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। एंगर क्या है? एंगर इज़ अ वाइटल साइन दैट इज़ कंसर्न ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। व्हेन एन इंडिविजुअल डायरेक्ट्स इज एंगर टूवर्ड्स हिमसेल्फ, ही मे ट्राई टू कमिट सुसाइड। अब जैसे अगर कोई सोल्जर है, वो अपने आप पे गुस्सा निकाल रहा है किसी चीज़ का, तो वो क्या करेगा? वो सुसाइड करने की कोशिश कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है साइकोलॉजिस्ट के लिए कि किसी तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल करी जाए कि एंगर जैसी नेगेटिव फीलिंग्स ना डेवलप हों। और व्हेन ही डायरेक्ट्स इज एंगर टूवर्ड्स पर्सन परसीव बाय हिम एज अनफेयर एंड अनजस्ट। सो इट मे लीड टू वायलेंस एंड फैट्रिसाइड एंड मर्डर। अब यही है, या तो वो एंगर अपने ऊपर निकालेगा या फिर वो एंगर दूसरे के ऊपर निकालेगा, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम है, या तो सुसाइड होगा या मर्डर होगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है एंगर। उसके बाद एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी है। देन कमिंग टू असेसमेंट, हाउ वी नो दैट एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन आर थ्री सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इल हेल्थ। अब ये असेस तो करना बहुत ज़रूरी है, उनके साइंस मॉनिटर करने हैं, किस तरीके से वो साइंस, मतलब कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। सो सागर शर्मा एंड मोनिका शर्मा आर्ग्यू दैट द वे फिजिशियंस रूटीनली मेजर पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, सेम वे मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट शुड मेजर एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन इन सोल्जर रेगुलरली। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे फिजिशियंस एक नॉर्मल चेकअप में डेली क्या चेक करते हैं, वो पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ऐसे ही जितने भी मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन, तीनों चीज़ों को रेगुलरली असेस करना चाहिए। देयर एम्फेसिस इज मोर ऑन दी अर्ली डिटेक्शन ऑफ, अर्ली डिटेक्शन करें ताकि रेमिडियल काउंसलिंग हो सके, इससे पहले कि वो कोई काम कर दें, गुस्से में आके कुछ कर दें, एंग्जाइटी में आके कुछ कर दें, आप पहले ही उसको असेस कर लो, रेमिडियल काउंसलिंग शुरू कर दो। द मोस्ट वाइडली यूज साइकोलॉजिकल टेस्ट टू असेस मॉनिटर एंड मॉनिटर दीज थ्री वाइटल साइंस आर, एक पहला जो टेस्ट है वो है स्टेट ट्रेट एंग्जाइटी इन्वेंट्री, स्टेट ट्रेट एंग्जाइटी इन्वेंट्री, STAI। स्टेट का मतलब है पर्सन की फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट कैसी है, ट्रेट मतलब उसके ट्रेट्स किस तरह के हैं। फिर है स्टेट ट्रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंट्री, STAXI। एंड थर्ड इज स्टेट ट्रेट डिप्रेशन स्केल, STDS। सो STAI जो है मेजर स्टेट एंग्जाइटी एंड ट्रेट एंग्जाइटी, तो उसमें स्टेट एंग्जाइटी, ट्रेट एंग्जाइटी दोनों आ जाती हैं। नाउ एंग्जाइटी रेफर्स टू रिलेटिवली स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल इन द टेंडेंसी टू परसीव स्ट्रेसफुल सिचुएशन एज मोर और लेस डेंजरस। एंग्जाइटी जो टी एंग्जाइटी है, टी एंग्जाइटी बोल रहे हैं ये, टी एंग्जाइटी मतलब ट्रेट एंग्जाइटी, ये ध्यान रखना आपने। स्टेट एंग्जाइटी का मतलब एस एंग्जाइटी हो गया, एस वाला स्टेट एंग्जाइटी, टी वाला ट्रेट एंग्जाइटी। तो ये कह रहे हैं टी एंग्जाइटी का क्या मतलब है, रिलेटिवली स्टेबल इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल
in the tendency to perceive stressful situation as more or less dangerous or threatening. जो लोगों का जैसे आपके सामने एक बहुत ही डेंजरस सा कोई जानवर आ गया, सिमिलरली किसी दूसरे पर्सन के सामने आया, अब दोनों में से किस किसको उसे देख के एंगजाइटी ज़्यादा हुई, वो जो डिफरेंस होता है उसको टी एंगजाइटी बोलते हैं. कि आपको आपके सामने भी सेम जानवर खड़ा है, आपके साथ में जो पर्सन है उसके सामने भी सेम जानवर खड़ा है जो बहुत डेंजरस है, जो आप दोनों की जान ले सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन ज़्यादा घबरा रहा है, ये जो डिफरेंस है वो हो गया ट्रेट एंगजाइटी. स्ट्रेट एंगजाइटी क्या होता है? रेफर्स टू साइकोफिजियोलॉजिकल इमोशनल स्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ टेंशन, एप्रीहेंशन, नर्वसनेस एंड वरी एंड एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब स्टेट एंगजाइटी जो है ना, इसमें आपकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, साइको फिजियोलॉजिकल इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं. तो इसमें आपकी फीलिंग्स किस तरह की है, आपके अंदर एप्रीहेंशन है, नर्वसनेस है, आप कितने अराउज हो गए हो, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितना एक्टिवेटेड है, ये आ जाता है स्टेट लेवल पे. तो ट्रेट हो गया कि आप कितना ज़्यादा उस सिचुएशन को डेंजरस मान रहे हो. स्टेट हो गया कि आपकी बॉडी में किस तरह के इमोशनल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं. सो टू पुट इट सिंपली, टी एंगजाइटी मेजर्स टू वॉट एक्सटेंड इंडिविजुअल इज जनरली एंक्शियस एंड एस एंगजाइटी ऑन द अदर हैंड मेजर्स द लेवल ऑफ एंगजाइटी एट द प्रेजेंट टाइम. तो इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से दोनों का डिफरेंस बता दिया. टी एंगजाइटी का मतलब ये है कि जनरली आप हर सिचुएशन में कितना घबराते हो, आपसे कंपैरिजन में आपका दोस्त कितना घबराता है, क्या आप जल्दी घबरा जाते हो कि वो जल्दी घबरा जाता है. ऐसा होता है ना कि जैसे दो तीन लोग हैं उसमें से कुछ तो होते हैं कि सिमिलर सिचुएशन में तीनों हैं, लेकिन कुछ होंगे तो ज़्यादा ही घबरा जाएंगे और कुछ होंगे जो अपना पीसफुली सोचेंगे कि हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं. तो वो चीज़ हो गई टी एंगजाइटी. एस एंगजाइटी का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम पे जब आप उस सिचुएशन में हो उस टाइम पे आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं. सो इन रिस्पॉन्डिंग टू द एस एंगजाइटी आइटम, सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्ड टू हाउ दे फील. एस एंगजाइटी वाला जो टूल यूज़ करते हैं जब हम ये असेस करने के लिए कि उनके अंदर स्टेट एंगजाइटी कितनी है, उसमें वो बताते हैं कि उसको उनको उस टाइम पे कैसा फील हो रहा है जब वो एग्जैक्टली उस सिचुएशन में खड़े हैं, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या जब वो टेस्ट हो रहा होता है. और टी एंगजाइटी वाला जो आइटम्स हैं, आइटम्स यानी कि क्वेश्चंस वगैरह हो गए जो उसमें टेस्ट में होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जनरली हम कितने एंग्शियस रहते हैं. और कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि एस एंगजाइटी में क्या बोलेगा वो, आई फील टेंस, आई एम वरिड, प्रेजेंट में जो है वो बोलेगा. एस एंगजाइटी एब्सेंट होगी तो वो बोलेगा आई फील रिलैक्स्ड, आई एम सिक्योर. तो ये बताता है कि एंगजाइटी है या नहीं है. टी एंगजाइटी क्या होता है? टी एंगजाइटी किसी के अंदर है तो वो क्या बोलेगा, आई वरी टू मच ओवर समथिंग, मैं हमेशा बहुत चिंता करता हूँ. आई फील नर्वस एंड रेस्टलेस, मुझे नर्वसनेस होती रहती है. अगर टी एंगजाइटी एब्सेंट है तो वो क्या बोलेगा, आई एम कंटेंट, आई एम प्लीज्ड, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, कंटेंट हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये होता है एस एंगजाइटी एंड टी एंगजाइटी. फिर आते हैं स्टेट एंड ट्रेट एंगर एक्सप्रेशन इन्वेंट्री पे. अब इसमें जो स्टेट एंगर की बात हो रही है यानी कि एस एंगर, एंड ट्रेट एंगर की बात हो रही है यानी कि टी एंगर. एस एंगर क्या है? इमोशनल स्टेट है, वही जैसे कि हमने ऊपर स्टेट एंगजाइटी पढ़ी थी, सेम चीज़ आप समझ लो. ये इमोशनल स्टेट है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं किसी के अंदर की. और टी एंगर मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया कि आप कितनी जल्दी गुस्सा होते हैं किसी चीज़ को देख के और मैं कितनी जल्दी, वो डिफरेंस हो गया टी एंगर. तो टी एंगर रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डिस्पोजिशन टू एक्सपीरियंस एंगर. You must have observed that some people in your college are quite short-tempered. जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग बहुत short-tempered होते हैं और कुछ लोग बड़े cool होते हैं, वो टी एंगर की बात हो रही है. और स्टेट एंगर यानी कि एस एंगर का मतलब है प्रेजेंटली आपको कितना गुस्सा आ रहा है, मतलब आपकी बॉडी में किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं. सिमिलर है जैसे हमने एंगजाइटी में पढ़ा था. तो एस एंगर के स्केल में किस तरह के आइटम्स होंगे, जैसे हाउ डू यू फील नाउ, एंग्री, फ्यूरियस, इरिटेटेड, कूल, इसमें से कौन सा, इस तरह के पूछे होंगे कि अभी प्रेजेंटली आपको क्या फील हो रहा है. तो वो प्रेजेंटली बताएंगे, अगर वो बहुत फ्यूरियस है, बहुत इरिटेटेड है, तो यानी कि उनका स्टेट ऑफ एंगर बहुत ज़्यादा है.
ऐसे ही टी एंगर वाले जो स्केल होते हैं उनमें क्वेश्चन होगा हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू फील एंगर, जनरली आप कितना गुस्सा आता है आपको, ऑलमोस्ट नेवर, कभी नहीं आता, कभी कभी आता है, जल्दी आ जाता है या हमेशा ही आता है। तो ये टी एंगर है कि जनरली आप कैसे रहते हो, गुस्से में रहते हो कि रिलैक्स रहते हो। सिमिलरली फिर आ जाता है स्टेट ट्रेड डिप्रेशन स्केल, दैट मेजर्स प्री डिस्पोजिशन टू डिप्रेशन। तो प्री डिस्पोजिशन टू डिप्रेशन का मतलब है कि पहले से ही उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर डिप्रेस हो जाते हैं। तो ट्रेड डिप्रेशन हो गया या टी डिप्रेशन हो गया, अगेन यहाँ पे भी टी वर्ड यूज़ किया है कि जनरली जिनकी आदत ही है हर बात पे डिप्रेशन हो जाना। और स्टेट डिप्रेशन है कि एक्चुअल में वो कितना उस टाइम पे कितना डिप्रेस फील कर रहे हैं एट दी प्रेजेंट मोमेंट जब टेस्ट हो रहा है। तो स्टेट डिप्रेशन को एस डिप्रेशन बोला हुआ है। सिमिलर है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एंग्जाइटी और उसके वरी एंग्री के बारे में पढ़ा, एंगर के बारे में पढ़ा था। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दिया हुआ है, जैसे अगर किसी के अंदर स्टेट डिप्रेशन है तो वो कहेगा मैं बहुत मिजरेबल फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है। अगर स्टेट डिप्रेशन एब्सेंट है वो कहेगा कि मैं बिल्कुल सेफ फील कर रहा हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। टी डिप्रेशन का मतलब जिनकी आदत होती है जनरली, तो वो कहेगा कि फीलिंग लो एंड होपलेस, कि मुझे हमेशा लो और होपलेसनेस लगता है। और जिनके अंदर टी डिप्रेशन एब्सेंट है वो कहेंगे जनरली मुझे हमेशा स्ट्रांग फील होता है और मैं बहुत होपफुल हूँ अपने फ्यूचर को लेके। तो इससे पता चलता है कि क्या उसकी आदत है वो हमेशा ही ऐसा रहता है या फिर प्रेजेंटली उस सिचुएशन की वजह से वो इस तरह बिहेव कर रहा है। दीज थ्री इन्वेंट्रीज जो हमने अभी तक पढ़ी हैं STAI, STAXI एंड STDS, ये बहुत ही रिलायबल माने गए हैं मॉनिटर करने के लिए एंग्जाइटी डिप्रेशन और एंगर को। फॉलोइंग स्पीलबर्ग एंड शर्मा द क्रॉस कल्चरल अडाप्टेशन ऑफ दिस टेस्ट हैव बीन डन बाय मैनी स्कॉलर्स। तो अब यही है कि इसकी क्रॉस कल्चरल अडाप्टेशन हो गई है टेस्ट की, ताकि ये हर कल्चर में यूज़ हो सके और हर कंट्री में यूज़ हो सके। अब इंटरवेंशन की बात करते हैं। तो इंटरवेंशन का मतलब है कि मान लो आपने असेसमेंट कर ली है सोल्जर्स की, उसमें से कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनके अंदर एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ अब क्या करना है, कैसे उनकी थेरेपी करनी है, किस तरीके से रिहैबिलिटेशन करना है, तो क्या इंटरवेंशन करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ तरीके बताए हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमा रिहैबिलिटेशन। पोस्ट ट्रॉमा रिहैबिलिटेशन मतलब अगर किसी के अंदर ये देखा गया है सोल्जर में PTSD है, स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको एक तो कॉम्बैट ड्यूटी से हटा देना चाहिए और उसको रेस्टिंग कैंप में, रिकूप कैंप्स में भेज देना चाहिए, जहाँ पे उसको फिजिकली कंफर्ट फील हो और उनकी फैमिलीज भी उन्हें ज्वाइन कर सके। दूसरा है ट्रॉमा इवेंट मैनेजमेंट है, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है टू कंप्लीट मेडिकलाइजेशन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। तो मेडिकल मतलब मेडिसिन वगैरह दे सके जहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उसको सोल्जर को थेरापूटिक एंड मेडिकल असिस्टेंस मिल सके। फिर है तीसरा बड़ी डीब्रीफिंग। बड़ी डीब्रीफिंग का मतलब बात करना अपने किसी ऐसे उससे बात करना जिसको आप ट्रस्ट करते हो। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट टॉक इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी ऑफ ट्रॉमा। साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड टॉकिंग टू पीयर्स, तो अपने दोस्त से बात करो ट्रॉमा के बारे में। तो ये चीज़ भी बहुत काम आती है, जैसे हम लोग ही कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेस या ऐसा फील करते हैं तो हम बात कर लेते हैं किसी से। एंड देन फोर्थ वन इज सेल्फ केयर स्ट्रैटेजीज। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेल्फ केयर इज टू एम्पावर सोल्जर टू देम सेल्फ कोप विथ स्ट्रेसर्स एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इसमें उनको अपने आप ही अपने स्ट्रेसर्स को, इमोशनल डिस्ट्रेस को कंट्रोल करना, एम्पावर करना अपने आप को, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो गाइड किया जाता है, सिंपल लैंग्वेज में गाइडेंस दी जाती है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराई जाती है जो वो कभी भी कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा फील हो कि वह एंक्शियस हो रहे हैं। योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, सोशल नेटवर्किंग, इस तरह की चीज़ें जिससे वो अपने आप की केयर कर सकें। अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ के अलावा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी होनी चाहिए जो प्रिवेंटिव हो। प्रिवेंटिव मतलब पहले से ही उनको ये चीज़ों में ट्रेनिंग दी जाए कि उनके अंदर ये मेंटल है प्रॉब्लम्स डेवलप ही ना हो, ऑलरेडी उनकी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपने आप को पहले ही मतलब अपने आप को प्रिवेंट कर सकें अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब होने से।
सो इसमें आ जाता है जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में आप साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूड करो, सिर्फ फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल भी होनी चाहिए, जैसे हार्डीनेस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ, मेंटल प्रॉब्लम्स आर रिजल्ट ऑफ पर्सन एनवायरनमेंट मिसफिट। अगर कोई पर्सन गलत एनवायरनमेंट में आ जाता है तो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस चीज़ को रिस्ट्रक्चर करो, इस चीज़ को चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिसफिट हो रहा है कहीं पे। जैसे मिलिट्री कमांड एंड स्पेशलिस्ट कैन सिट टुगेदर टू डिस्कस अबाउट वेरियस वेज टू रिस्ट्रक्चर द रिजिड एंड डिसिप्लिनरी हायरार्की ऑफ द मिलिट्री। तो ये सब चीज़ें बैठ के डिस्कस हो सकती हैं, मिलिट्री कमांड और स्पेशलिस्ट जो होते हैं बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि जो हायरार्की चल रही है मिलिट्री में, क्या कहीं उसको रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं सोल्जर्स की डिमांड को कुछ डिमांड्स पूरा की जा सकती हैं। इस तरह से एनवायरमेंट को फिट किया जाए या पर्सन को फिट किया जाए, मतलब मिसफिट नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज़ अ जॉब इन डिफेंस इज़ अ जॉब विद लो जॉब कंट्रोल एंड हाई जॉब डिमांड। तो डिफेंस में ऑलरेडी लो जॉब कंट्रोल होता है और हाई जॉब डिमांड होती है। तो यहाँ पे कैरसेक का मॉडल कहता है कि दिस इटसेल्फ क्रिएट्स अ हाई स्ट्रेस। तो लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ ऑफिसर इन द मिलिट्री इज प्रीडोमिनेंटली ऑटोक्रेटिक। अब मिलिट्री में लीडरशिप स्टाइल कैसा चलता है? ऑटोक्रेटिक चलता है, उसमें फ्रीडम कम होती है सबॉर्डिनेट्स के पास। अ क्लियर सेट ऑफ गाइडलाइंस मस्ट बी गिवन टू द ऑफिसर्स रिगार्डिंग हाउ दे कुड डील विद देयर सबॉर्डिनेट्स एंड, मतलब गाइडलाइंस देनी चाहिए कि कैसे वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बात करें। डेटरेंट्स एंड सैंक्शन मस्ट बी एम्ड एट ऑफिसर हु सीक हैरास कैडेट्स। और जो अपने कैडेट्स को हैरास करते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। फाइनली सर्टेन मेजर्स लाइक अ फीडबैक सिस्टम, ग्रीवियंस एड्रेस, मतलब शिकायत कर सके कहीं पे, फीडबैक दे सके, इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए कि अगर सोल्जर को किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो कहीं अपनी शिकायत भी दर्ज करा सके या वो फीडबैक दे सके, और उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करा जाए वो सारी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, बडी सिस्टम होना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे इतना ज़्यादा मेंटल जो स्ट्रेस है वो ना हो उन लोगों के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज इन मिलिट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।